देर नज़र तस्वीर में आपको जो दीवार नज़र आ रही है इसे दीवार गिरिया और मगरबी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। ये हैकल सुलेमानी का बाकी मानदा हिस्सा है। इसे यहूदियों के नज़दीक वही मजहबी हैसियत हासिल है जो हिंदुओं के नज़दीक काशी की और मुसलमानों के नज़दीक मक्का मुकर्रमा की है। 2000 सालों से यहूदी जायरीन इस दीवार के पास आकर रोते हैं और इसी वजह से इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि आखिर यहूदी यहाँ आकर क्यों रोते हैं। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें तारीख के कुछ गुजरे हुए सफात को पलटना होगा, जिसे यहूदियों की तारीख का सबसे अहम हिस्सा भी कहा जा सकता है। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी बाकायदा हैकल या तामीर का तसव्वुर या वजूद नहीं था। ये लोग खैमों के अंदर खाना बदोशों किसी जिंदगी बसर करते। जिस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता ये उस जानिब रुख करके इबादत किया करते थे। ताबूत सकीना क्या है? रवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया अलैहिस्सलाम से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, आसमान से नाजिल होने वाला मनोसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत और परेशानी का हल निकाला करते थे। मुख्तलिफ अकवाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते, इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। इस दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबद यानी ताबूत सकीना आज भी खैमे में रखा होता है। चुनाचे आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत सुलेमान ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया। रवायात के मुताबिक इसकी तामीर में जिन्नात और इंसान दोनों ने हिस्सा लिया था। यह हैकल या मस्जिद बहुत आलीशान और वसीओ अरीफ थी। इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा, इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूद होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा तायब होने या उनको तुर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। तब अल्लाह ने उन पर लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्त नसर, जिसे बाइबल में नबुकत नसर कहा गया है, जो कि बाबुल मौजूदा इराक का बादशाह था, ने उनके मुल्क पर हमला किया। हेकल में से ताबूत सकीना निकाला और यहूदियों को हुक्म दिया कि इस मुकद्दस हेकल को खुद अपने हाथों से गिराएं। 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तल अबीब रखा गया। इस तबाही के 70 साल बाद तक हैकल सुलेमानी सफाए हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की। इस हरकत का अजाब इसे इस तरह मिला कि 540 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस, जिसे मुसलमान जुल्करनैन भी कहते हैं, ने बाबुल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबुली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में इनको नए हेकल की तामीर की इजाज़त भी दे दी। इसके साथ साथ इसकी तामीर में मदद भी फराहम की। हेकल सानी तो दोबारा तामीर हो गया लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं था। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक को मजीद तोहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजदाना तौर पर छुपा दिया गया जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं।
حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہ تہ کر دیا۔ اس نے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پہ قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیل کی ریاست کو فلسطین میں جنم دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس واقعے کے ہزاروں سال بعد تک یہودی اس واقعے کو بھولے نہیں۔ اسرائیل کے دارالحکومت کا نام تل ابیب ہے۔ جی ہاں، وہی بستی جسے بخت نصر نے بنی اسرائیل کے قیدیوں سے آباد کیا تھا، اور وہ آج تک بخت نصر کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔